कसा काय केंचो बढ़िया। तो आज आपका भाई जा रहा है वैक्सीन लेने। अभी आप पूछोगे इतना दिन क्यों नहीं लिया। लिया नहीं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम आ रहा था, मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था, उसकी वजह से मैंने नहीं लिया है वैक्सीन। तो आगे की बात ये कि आज जाएंगे वैक्सीन लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि मिलता है वैक्सीन या नहीं मिलता, वो पता नहीं है मुझे। ऑनलाइन सर्च किया तो कुछ अलग ही बता रहा था, फ्रेंड्स लोग को पूछा तो वो लोग ने कुछ अलग अलग तौर तरीके बताए हर एक ने कि ऐसा कर ऐसा कर, यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा है। तो मेरा सबसे लेट है, तो अभी प्रोसीजर हर टाइम चेंज होते जा रहा है, तो इसकी वजह से अभी पता नहीं। तो मेरे को एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिला है कि वाशी हॉस्पिटल में मिलता है, NMC हॉस्पिटल में वाशी का, वहाँ पे वैक्सीन मिलता है। तो अभी जाएंगे वैक्सीन लेने। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला बात कि वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से पेट भर के खाना खाना चाहिए, ये हमें पता चला है। तो अभी हम खाएंगे खाना, फिर रवाना होंगे वैक्सीन लेने। और दूसरा बात ये कि जो लोग ने भी लिया है ना, वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि वैक्सीन लिया है क्या नहीं। चलो अभी खाना खाएंगे, अरे लाइट 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो अभी मम्मी ने क्या बनाया देखते हैं, कुछ तो बनाया रहेगा, वो देखेंगे खाएंगे। पेट भर के खाना है, एक बात बता के रख रहा हूँ कि मुझे भी पता है ऐसे, मतलब पता है, मतलब मैंने बहुत सा सुना है कि वैक्सीन से पहले अच्छे से पेट भर के खाना खाना चाहिए। तो देखेंगे वहाँ पे जाने के बाद भी बोलते कुछ ना कुछ खाई लो, तो उससे पहले अपन ही खा लेंगे, अच्छे से पेट भर के खाना खाऊंगा, फिर वैक्सीन लूंगा, आगे का रिजल्ट बताता रहूंगा। तो सब्जी में है बैंगन आलू, इसमें ऑब्वियसली रेगुलरली, अरे यार खुल जा सिम सिम, ऑब्वियसली रोटी है, चपाती और चावल है। यहाँ पे कहाँ पे रखे यार मम्मी चावल, देखना पड़ेगा। अरे चावल मम्मी ने चावल बनाए ही नहीं, यहाँ पे दुखद खबर कि मम्मी ने चावल नहीं बनाए है, और मुझे ये सब्जी के साथ चावल खाना ही रहता है, मगर ठीक है बिना चावल के चल जाएगा आज। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इतना एक मिनट लाइट लगाता हूँ इधर का, लाइट लग जा। और जो भी मैं इतना ऐसा मतलब फुल एकदम खुश वाला, मतलब एकदम कूल बनने का नाटक कर रहा हूँ ना, मेरी फटी पड़ी है नीचे से, क्या होगा क्या नहीं, फटने की जरूरत नहीं है मगर होता नहीं, दर्द नहीं ऐसा है ना, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो आपको मिलता हो खाना खाने के बाद, ठीक है। तो अभी खाना वाना हो गया, अभी अच्छे से पेट भर के दबा के खाया हूँ। टाइम कितना हुआ है एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ तुमको। टाइम 2:15 हो गए अभी फिलहाल, तो 2:15 हुए, तो फिलहाल तो 2:15 हुए। अभी तैयार होंगे, तैयार होके गाड़ी निकाल के चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे जाके, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है क्या। और इस प्रॉब में अपना आएगा कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी जो भी हो रहा है वो बताने का ट्राई करूँगा, इफ इन केस अगर कुछ ज़्यादा मुझे होता नहीं, ज़्यादा मीन्स कैसा हो जाता है कि ज़्यादा मीन्स कैसे हो जाता है, अरे यार दाढ़ी क्या मैं ऐसे से, तो ज़्यादा मीन्स कैसे हो जाता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है या ठंडी बजनी चालू हो जाती है, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत बुखार आने चालू होता है या थोड़ा बहुत ठंडी चालू हो जाती है, वो तो बस इतना कुछ तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जो भी होगा बताया जाएगा, अगर बताने के हाल में रहूँगा तो अगर कैंप में मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वाशी जाना ही पड़ेगा। बाकी आगे अभी पहुंच गए वाशी हॉस्पिटल, वहाँ पे घूमे, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन का कोई कैंप नहीं था, क्योंकि वो कुछ टाइम लिमिट तक था तो बंद हो गया। अभी आगे वाशी एनएमसी हॉस्पिटल आगे देखेंगे कि मिलता है कि नहीं। वैक्सीन लिया गया है, कोविशील्ड वैक्सीन लिया है। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा बैठ के आया हूँ, कुछ हुआ तो नहीं है, अभी घर पे जाएंगे और आगे की बात आपको घर पे जाके ही बताऊंगा जो भी अपडेट रहेगा। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे, जैसे कि बोला था घर पे जाके मिलता हूँ, घर पे जाके बात करूँगा। तो गया था मैं कुछ 2:15 में, 2:15 गया था मैं।
तो आते आते मुझे 4 बज गया टोटली। अरे यार मम्मा यहाँ दुख रहा है रे। नहीं इतना होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें, अरे यार ये देखो यार ट्राइपॉड स्टैंड लगा था अच्छा होता, तो कंटाल आया इसमें ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं लगाया मैं उसको, ऐसे हाथ में होल्ड करके ही मोबाइल को पकड़ के ही बात कर रहा हूँ। तो हाथ तो दुख रहा है, बाकी तो कुछ मेरे को इफेक्ट नहीं लगा है क्योंकि मैं उधर आधा घंटा, जैसे कि बताया आधा घंटा में ऑब्जर्वेशन में बैठा था, लेकिन मुझे कुछ इतना इफेक्ट नहीं हुआ। अभी ये कभी पता चलेगा कि जैसे कि आगे के टाइम जैसे बढ़ता जाएगा वैसा अभी पता चलेगा कि मुझे कुछ उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो भी अच्छी बात है, बुराई क्या ही है उसमें, बस थोड़ी तकलीफ होगी और बाकी कुछ तो होने वाला नहीं है। और इस ब्लॉग में मैं दो चीज बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कैसे लेना है। तो कुछ भी पहले जैसा हार्ड नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि मैंने 1-2 महीना ट्राई किया था जब जब नया नया वैक्सीन आया ही था, तो वैसा कुछ बाकी नहीं है। जस्ट आप कौन से भी एरिया में रहते हो, न्यू बॉम्बे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बॉम्बे का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन न्यू बॉम्बे का पता है कि वाशी का NMC हॉस्पिटल है ना, NMMC, तो NMMC हॉस्पिटल में जाके बस आपको आधार कार्ड देना है। अगर आपका फर्स्ट डोज है तो हो जाएगा, कोविशील्ड को वैक्सीन दो टाइप का वैक्सीन से। और अगर सेकेंड डोज है तो बस आपको जो सर्टिफिकेट था, सॉरी हाँ सर्टिफिकेट, वो लेके आना है और बस हो गया, फिर वैक्सीन फटाक से हो जाएगा। कोई गर्दी नहीं है, कुछ नहीं है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो ठीक है। वैक्सीन लेने के लिए कोई भी नहीं बुला है, सबको पता है आज ना कल वैक्सीन लेना है। वैसे मत भूलना कि मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, अगर पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ मुझे पता है पहले वीडियो में मेरी बहुत सारी गलतियाँ हुई है, वो इम्प्रूव हो रही है, अगर हो रही है, आपने देखा है पहला ब्लॉग तो यही ब्लॉग के कमेंट में बता देना, अगर नहीं देखा है तो वो ब्लॉग्स में जाओ, वो ब्लॉग देख लो, फिर ये ब्लॉग में आके कमेंट कर दो। गुड मॉर्निंग, तो अभी उठा हूँ मैं, 9 बजे है, रुको आपको दिखाता हूँ मैं डे में, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने कहा 9 बजे है। तो कल मैंने कुछ 4 बजे वैक्सीन लिया था, बस मेरे को तकलीफ कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, तकलीफ बस तकलीफ ये हुआ कि मेरा यहाँ हाथ दुख रहा है, और उतना भी सीवियर पेन नहीं है कुछ। तो अगर देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम हो गया, कुछ हुआ तो नहीं है अभी, तो आगे आगे देखेंगे, अगर कुछ होता तो उसका भी अपडेट दिया जाएगा। बस हल्का एकदम हल्का हेडेक हो रहा है, वो भी मैं बहुत समय से पहले उठ गया, आज 9 बजे रेगुलर निकल, 7 बजे में कल रात में लेट सो गया था, तो अभी उठूँगा तो एसिडिटी की वजह से मेरा सब दुखता है बहुत बार, तो अभी और थोड़ा सोऊंगा फिर उठूँगा, फिर बताऊँगा अगर कुछ होता है तो। आज दिन भर देखेंगे क्या होता है, जो भी होगा बताया जाएगा। तो दोपहर के 3 बजे अभी, जैसे मैंने बोला था आपको कुछ खाकर मैं सो जाऊंगा ऑफिस, थोड़ा सो जाऊंगा, खाकर नहीं बोला था कि सो जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर मैं सो गया कुछ 11 बजे के आसपास वापस हो गया, तो 2 बजे तक सोया हो। कल रात में भी मैं कुछ 1.5-2 बजे के आसपास सोया हो, उसके बाद मैं और सोने लगा क्योंकि और नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और सबसे पहली बात, आपको एक ध्यान रखना है, वैक्सीन लोगे तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, बस मुझे नींद आ रही है, और वो कॉमन है, मतलब सबको तो तकलीफ होती है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, बस नींद बहुत आ रही है और थोड़ा हल्का मतलब निग्लिजिबल हेडेक हो रहा है मेरे को, हल्का एकदम, तो उतना तो कॉमन है। तो मैंने गोली वगैरह कुछ खाया नहीं है, बस सो रहा हूँ क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि अंदर पूरा फाइट चल रहा रहता है, जो वैक्सीन छोड़ा रहता है, वैक्सीन में कैसा वायरस रहता है, 2 टाइप का है वैक्सीन, एक डेड वायरस है उसके अंदर, एक मतलब जिंदा वायरस है, एक कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जिंदा और मरा हुआ वायरस रहता है उसके अंदर, तो अपने अंदर बॉडी में छोड़ा जाता है, उसकी वजह से अंदर फाइट चालू रहता है, तो रेस्ट तो लेना ही है क्योंकि अंदर इतना बड़ा मतलब एक्चुअली वो बहुत स्ट्रांग वायरस है आखिर, क्योंकि आपको पता ही है कितना वाट लगा दिया था सबका, तो अपने को सोना ही है, आराम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से पेट भर के कुछ ना कुछ खाना है, अच्छा नहीं तो कुछ भी खा लोगे बाहर का, अच्छे से पेट भर के कुछ ना कुछ खाना है, और वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ ना कुछ खाना है, जब भी भूख लगे तभी, वैक्सीन लेने के बाद नहीं खाओगे, अगर भूख लगा है तो ही खा लो, वरना थोड़ा टाइम के बाद खाना ही है वैसे तो, खाओगे तो उतना अच्छा रहेगा। और जब भी भूख लगे तो थोड़ा भी उसको इग्नोर मत करना, बार बार कुछ ना कुछ अच्छा हेल्दी खाते रहना है,
और जितना खाते रहोगे तो अपने बॉडी को ताकत मिलते रहेगा, क्योंकि अंदर अपने को ताकत की ज़रूरत रहती है। जितना आप अच्छे से खाना खाओगे उतना आपके बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होगा, बस आई तो आई नींद आएगी, वरना कोई लोगों को तो नींद भी नहीं आती है। जैसे मैं अभी बोला कि बीमार गिरते कोई लोग को नींद आती है बहुत, जैसे कि मुझे आ रही है ज़्यादा नींद, और कुछ ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं, वो कॉमन सिम्टम्स से वायरल फीवर में होता है वैसा ही है, कुछ डरने का काम नहीं, वैक्सीन लेना है। तो मिलते आगे आगे अभी सो जाता हूँ, फिर आगे का अपडेट देते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा होगा, अगर होगा तो बताया जाएगा, और डोलो 650 तो है ही अपनी। ओ किसको किसको क्या क्या तकलीफ हुई कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। मिलते हैं आगे आगे कि मैंने मेरे हिसाब से कल से नहीं, आज सुबह से जैसे मैं 9 बजे उठा था तब से मैं ब्लॉग में एक ही बात बता रहा हूँ कि हर टाइम कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ एप्पल, एक मिनट, और जंक फूड भी नहीं खाना है, बार बार जंक फूड खाना ही नहीं है, वरना इनकेस अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी हो जाए तो और तबीयत खराब हो सकती है। तो हेल्दी खाओ, फल फ्रूट घर का जो भी खाना बनाए वो खाओ, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला। ये तो मुझे मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि अगर अच्छे से खाते रहोगे तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे भाई ने लिया था वैक्सीन वो टाइम, उसने आई थिंक क्योंकि वो जॉब पे लिया था वैक्सीन, मतलब जॉब पे जाते टाइम वैक्सीन लिया था। तो मेरे एज पर मेरे नॉलेज से कि उसने खाना दोपहर में खाया था, वैक्सीन पहले ले लिया था, मतलब 1-2 घंटे के गैप था, तो बॉडी को फाइट करने के लिए पावर नहीं था, उसके वजह से बीमार गए थे इंसान मोस्ट ऑफ टाइम। तो खाते रहो, लोग क्या करते हैं खाने का मन नहीं कर रहा तो भी खाना ही पड़ेगा, फैक्ट है कि खाना और पानी जिंदगी में हर सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है। खाते रहो, पीते रहो पानी, और हेल्दी रहो। आगे के अपडेट आगे आगे मिलते रहेंगे। और तबीयत का अपडेट रहा, तबीयत का अपडेट ये है कि मेरे काफ जो है तो सुबह से पेन हो रहे थे, मैं बताना भूल गया, नॉर्मल पेन है काफ में, हेडेक तो पूरा चला गया है, बस आंखें लाल हो गई इफ यू कैन सी, वो भी मैं ज़्यादा सो गया ना तो उसकी वजह से हुआ रहा है, बाकी कोई तकलीफ नहीं अभी भी। अब ना से ना मुझे लगता है 24 आवर्स होते आए रहेंगे, 24 आवर्स ही बरोबर, कल दोपहर को 12 घंटे कितना क्या पता नहीं, लेकिन टाइम बता रहा हूँ, कल 3:39 को वैक्सीन लिया था, अभी 5 o'clock हो गए, तो कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना टाइम हुआ है। तो फाइनली मैं डोलो 650 खा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, बट घर वाले हैं जो हमारी फैमिली जो है वो बाहर जाने वाली है, तो वो बता दूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग, आई थिंक उसके ऊपर ही बनेगा, तो वो लोग बाहर जाने वाले हैं, तो उसके वजह से मुझे वो लोग को हेल्प करना है, तो मैं इसे ही थोड़ा सा दर्द कर रहा है, सोना तो पड़ेगा ही, दर्द कर रहा है तो सोना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं तो, ओहो पप्पा जी इंडियन फादर, तो उसके लिए मैं डोलो 650 खा रहा हूँ फाइनली, जिसके मुझे फटाक से पूरा रिलीफ मिल जाए, थोड़ा भी कोई तकलीफ ना रहे तो रिलीफ मिल जाए, मैं जिससे काम करूँ इसके लिए मैं डोलो 650 खा रहा हूँ। अगर आगे भी कुछ बुखार वगैरह आता है तो मैं बता ही दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। देखेंगे अभी, ठीक है, अभी तो दवाई खा ली है, अगर कम हो रहा है नहीं हो रहा है बताया जाएगा, और मेरे हिसाब से यही ब्लॉग का एंड हो सकता है, बट अगर नहीं होगा पेन वगैरह होगा क्या हो रहा है वो अगले अगर बताने की ज़रूरत लगी मुझे तो पक्का बता दूंगा, और इतना वीडियो देख ही लेते हैं। इंडियन फादर समझ सकते हैं वीडियो, तो इतना वीडियो देख ही लेते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाओ, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, यहाँ पे मेरा आईडी आ जाएगा जो मैं डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम पे मैं अपने खुद के कुछ कॉमेडी वीडियो डालता हूँ, कॉमेडी रील्स डालता हूँ मैं खुद के, थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े बहुत नहीं यार मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे होते हैं, आपके हिसाब से क्या मालूम कैसे होते हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। टाटा बाय, टेक केयर।